सर आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार जैन। सर आप कहाँ से आए हो? मैं हो तो बेंगलोर का ही रहने वाला हूँ, राजस्थानी हम लोग, राजस्थान सिरोही। सर आप क्या कलेक्शन करते हो? मैं मुगल में इंटरेस्ट है, टीपू मुगल और एंटिक ज्वेलरी में, मैं मेरा एंटिक ज्वेलरी में हॉबी है। एंटिक ज्वेलरी में भी गॉड भगवान का, हिंदुस्तान में कितने टाइप का भगवान है, अबाउट वी हैव गॉट 250 पीस देयर, सिल्वर 200, 300, 400 ईयर्स ओल्ड। सर कॉइन और करेंसी कलेक्ट नहीं करते? भी कलेक्ट करता, कॉइन्स में यूनिक, सम कॉस्टली, वेरी वेरी यूनिक, सम टीपू, अकबर, जहांगीर, अबाउट राशी कॉइन, 12 राशी। मतलब आप एग्जीबिशन में डिस्प्ले करते हो, मतलब बाइंग और सेलिंग करते हो उसका? डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले भी करता हूँ, सेल भी करता हूँ, खरीदता भी हूँ ऑक्शन में से, हॉबी है, पुरानी चीज़ों में मेन हॉबी है। अरे हॉबी किस वजह से आपको पैदा है, जॉब पैदा हुई? ये तो एक शौक है, थोड़ा इंटरेस्ट होता है इतिहास में जाने के लिए, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान इतना बड़ा सोने का चिड़िया क्यों हुआ, क्या चीज़ मिल सकता है इधर, सो मैनी थिंग्स है। हिंदुस्तान एक वर्ल्ड में ऐसा देश है जहाँ हर कुछ समथिंग यूनिक चीज़ मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। टीपू राजा ऐसा हुआ है, मुस्लिम है, लेकिन एक साइड में उसके कॉइंस में शिव पार्वती हिंदू रहता था, एक साइड में हैदर रहता था, है उर्दू में जिसको बोलते हैं हैदर अली, एक साइड में बाप का नाम रखता था, एक साइड में शिवा पार्वती का रखता था। और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लिपि टीपू की है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लिपि टीपू सुल्तान के कॉइंस की है। सर इस बात की हॉबी आपको किस वजह से हुई? बस घूमते रोड पे देखते देखते हॉबी हो गई, शौक हो गया, लिक्विड आता रहा था, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पूरा उसमें डाल देते हैं, खर्चा कम करते हैं, ज्वेलरी में, एंटिक में, ज्वेलरी में ज़्यादा डालते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।